नमस्कार, स्वराज करियर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। स्वराज करियर में आज हम बात करेंगे नर्सिंग के विषय पर। दरअसल स्वास्थ्य देखभाल में आपको बता दें कि नर्स की जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार नर्स नाम लेते ही लोगों के मन में महिला की छवि बनती है, जबकि सच ये है कि नर्स की भूमिका में बड़ी संख्या में पुरुष भी होते हैं। खैर, इस तरह के और भी कई सवालात हैं जिनके जवाब जानने का आज हम प्रयास करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में वीरेंद्र सिसोदिया जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट नर्सिंग से भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज करियर में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिसोदिया है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एट भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल में। बिल्कुल, तो आज का जो विषय है वो है नर्सिंग। नर्सिंग से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर नर्सिंग क्या है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। नर्सिंग एक प्रकार की हेल्थ सेवा, लोगों का स्वास्थ्य है। इसमें मेनली हम व्यक्तियों और समुदायों पे की देखभाल और स्वास्थ्य पे मेन फोकस किया जाता है, उस पर केंद्रित एक आधारित बेस होता है। नर्सिंग एक प्रोफेशन है जिसमें ट्रेनिंग बेस्ड वर्क होता है। इसमें लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर कराना और कई सारी उनका देखभाल करना, विकलांग लोगों की देखभाल करना और जो मानसिक रूप से उनकी काउंसलिंग करना, ऐसे उनको लोगों को अवेयर कराना, बीमारियों से बचाव के तरीके बताना, उनकी रोकथाम करना, इस तरह की चीज़ें शामिल होती है। इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब नर्सिंग की उत्पत्ति हुई थी, जिसको मदर ऑफ नर्सिंग कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये बहुत पुराने समय की बात है। जब युद्ध छिड़ा करता था तब उस समय ना हॉस्पिटल हुआ करते थे, ना अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे, क्योंकि उस समय ना ही मरीजों के पास प्रॉपर दवाइयां हुआ करती थी। तब उस समय एक लेडीज ने अपनी हिम्मत कर लोगों की सेवा करने का प्रण किया। जब युद्ध लड़ाई होती थी, उसके बाद जब लोग ग्रसित हो जाते थे सैनिक, तब नाइटिंगेल वहां पर एक बार गई, उन्होंने देखा कि लोग बहुत दर्द से परेशान है, उनको चोट लगी है, खून निकल रहा है, और उस समय उस लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। तब उन्होंने अपना प्रण लिया कि मुझे लोगों की सेवा करना जरूरी है ताकि मैं अपने द्वारा किसी का जीवन बचा सकूं। तब उन्होंने एक लैंप लगाकर लोगों की ड्रेसिंग करना, उन पर पट्टी बांधना, उनका घाव पूरी तरह से ठीक करना, इस तरह से वर्क किए जिसे और उनकी प्रॉपर देखभाल की, रात रात भग जग कर उनकी सेवा की, जिसके कारण कई सारे जो सैनिक थे वह दोबारा उसी अवस्था में ठीक हो गए। तो इस प्रकार उनकी मरीजों की देखभाल करना, ये आज उसी चीज का प्रतीक हमको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा उनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि नर्सिंग में हमको क्या करना चाहिए। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य देखभाल में नर्सिंग का अपना एक अलग महत्वपूर्ण योगदान होता है। और नर्सिंग की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमें बताया डॉक्टर ने, और अब चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर। सबसे पहले सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि जिक्र इससे पहले भी किया कि नर्सिंग मतलब हम समझते हैं कि महिलाएं, लेकिन इसमें पुरुषों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नर्सिंग में पुरुष भी अपना करियर बना सकते हैं, तो कैसे लोगों का जो भ्रम है वो दूर करिए कि नहीं, नर्सिंग में सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी होते हैं। देखिए, पहले के समय में लोग को नर्सिंग जैसे ही वर्ड यूज करते थे तो उनकी नजरों में सिर्फ ये याद आता था कि सिर्फ महिला ही नर्सिंग कर सकती है, वही एक नर्स हो सकती है। पर आज के समय में समानता का अधिकार सभी को है, मेल हो चाहे फीमेल हो, इक्वल देखा जाता है, सबको एक नज़र की भावना से देखा जाता है। और ये सेवा का पथ है जिस पर मेल पर्सन भी और फीमेल भी दोनों नर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक मेल नर्स हूँ, मैं खुद एक नर्सिंग किया हूं और मास्टर डिग्री लेके आज आपके सामने बैठा हुआ हूं। बिल्कुल, और चलिए बढ़ते हैं आगे, जानेंगे अब डॉक्टर से आने वाले समय के लिए, क्योंकि नर्सिंग में हमें ये बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हम किस सब्जेक्ट को चुने अगर हम नर्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि 10th के बाद हमें सब्जेक्ट चुनना होता है। और अगर हमें नर्सिंग में आगे करियर बनाना है तो 10th से हमें सब्जेक्ट चुनना है या फिर 12th के बाद। तो डॉक्टर, हमारे जो दर्शक है जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते, उनका ये भ्रम दूर कीजिए कि आखिर कैसे हम सब्जेक्ट चुने इसमें। इसमें आप सबसे पहले 10th के बाद अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए, मेन फोकस क्या करना है। उसके बाद अपना 10th के बाद बायोलॉजिकल सब्जेक्ट चुनिए जो आपको एक मेडिकल फील्ड की ओर ले जाता है।
जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको MBBS करके डॉक्टर बनना है, या BSc नर्सिंग करना है, या डेंटल कोर्स करना है, या फार्मेसी करना है, इसमें कई सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। फिर आपका 12th में जब बायोलॉजी सब्जेक्ट से आप अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि हमको कौन सा कोर्स सबसे अच्छा है जो हमारे करियर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है और हमें अच्छी जॉब मिल सके और हम अच्छी सैलरी उठा सके, ताकि हमारी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम भी रहती है तो वो भी अच्छी इम्प्रूव हो सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा कोर्स अभी के एट अ प्रेजेंट नर्सिंग में बहुत अच्छी 100% जॉब गारंटी वाला कोर्स है। इसमें एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें सबसे अच्छा ये है कि आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरह से नॉलेज से ट्रेन किया जाता है। प्रॉपर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे अपने आप को आप एक नॉलेजेबल बना सकते हैं और दूसरों की हेल्थ के लिए सेवा कर सकते हैं। और इसमें आपको जॉब भी इजीली आप कर सकते हैं। आपको बहुत सारे हर फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में आपको इजीली जॉब भी मिल जाती है। बिल्कुल, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की डॉक्टर हमने, तो क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोर्स तो करते हैं और उसके बाद उनके मन में यही सवाल होता है कि हमें आगे आने वाले समय में जॉब की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और क्या हमें जॉब मिलेगी। तो ये हमारे दर्शक यही जानना चाह रहे हैं कि हम निश्चिंत होकर इस फील्ड को चुन सकते हैं। जी बिल्कुल, आप निश्चिंत होकर इस फील्ड को चुन सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है, आपने BSc नर्सिंग ज्वाइन किया, 2 ईयर बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ हमारा कैरियर नहीं है, तो वो क्या है, दूसरे लोगों की बातें सुन के ये चीज़ें मन में भ्रम हो जाता है। तो इसके लिए अपने टीचर से, प्रिंसिपल से कंसल्ट करें और या अपने रिलेटिव से, क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस कर सकते हैं। जब हमको किसी चीज़ की सही जानकारी होती है तो हम अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटक सकते और हमारा उद्देश्य एक निश्चित हो जाता है। क्योंकि आप प्रेजेंटली अभी आप देखोगे तो हर जगह हॉस्पिटल में चले जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे आपको एक नर्स की अहम भूमिका रोल में ही नर्स मिलेगी। वो भी आपकी तरह ही 12th पास करके, नर्सिंग का कोर्स करके वो एक जॉब पे पदस्थ है। बिल्कुल डॉक्टर, प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कोर्स कर रहे हैं जिस फील्ड में है वो, तो बुकिश नॉलेज तो लोग लेते ही हैं जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की कितनी ज़रूरत होती है, और ख़ासतौर पर क्योंकि आपका भी एक इंस्टीट्यूट है, आप जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ पर किस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, कैसे तैयार किया जाता है? प्रैक्टिकल नॉलेज इस मायने से जरूरी है, मैं खुद बाबा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, हम लोग हमारे स्टूडेंट का अच्छे से अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं, जिनको प्रैक्टिकल बेस्ड हम लोग ट्रेन करते हैं, जिसमें हमको एक प्रोसीजर होता है, डेमोस्ट्रेशन होता है, किस तरह से आपको एक प्रोसीजर करना है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपको IV एक इंजेक्शन लगाना है, तो आप किस तरह से लगाएंगे, ये स्किल टेक्निक हम लोग उनको ट्रेन किया जाता है नर्स को, कि आप किस तरह से कौन सी टेक्निक यूज करके आप अपना वर्क अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए अभी आप एक बार इन प्रोसीजर जब कर लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। फिर वही चीज़ के लिए हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल्स, PSC, CSC इन जगहों पे भेजते हैं, ताकि वहाँ पे और अदर चीज़ों का नॉलेज उनको मिल सके और वो गेन कर सके और अपना परफॉर्मेंस अदर लोगों के बीच काफ़ी अच्छा रख सके, जिससे उनको एक इंटरनली खुशी होती है कि हमने आज कुछ लर्न किया है। बिल्कुल डॉक्टर, जब आपके सामने पहले जो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका किस तरह का अनुभव रहता है, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोग डरते भी हैं, और क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है जाहिर तौर पर हमें तमाम तरह के जो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, तो किस तरह का अनुभव आपका रहा है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें क्या सवाल होते हैं इन सबको लेकर? देखिए, उनमें तो सबसे पहले जैसे ही वो नर्सिंग आते हैं तो सबसे पहले हमको यही पूछते हैं कि सर इसमें सैलरी अच्छी मिल पाएगी, क्या हमको जॉब मिल सकती है, क्या हमारा फ्यूचर सेफ है। तो हम लोग यही जवाब देते हैं कि आपका फ्यूचर सेफ है, क्योंकि यदि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, अपनी जिम्मेदारी से, एक अच्छे डिसिप्लिन के द्वारा, एक अच्छा स्टूडेंट बन के जब आप नर्सिंग करते हो तो आपको बहुत कुछ का नॉलेज हो जाता है, जो नॉलेज आपको हर जगह काम आता है। क्योंकि जैसा आप प्रैक्टिकली नॉलेज लेते हो तो वही नॉलेज आपको हॉस्पिटल्स में काम आता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आप थ्योरेटिकल नॉलेज भी रखते हो ज़्यादा, तो आप एक अच्छे बेस्ट टीचर भी बन सकते हो, क्योंकि एक टीचर बनकर आप और आपके जैसे 60-70 लोगों को और अच्छा गाइडेंस कर सकते हो, और उनको भी अपनी तरह ट्रेन करके एक अच्छा इंसान बना सकते हो, और लोगों की देखभाल करने में आपके लिए एक प्रकार से हेल्पफुल होगा। बिल्कुल,
तो सैलरी का जिक्र किया डॉक्टर आपने, तो सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि आखिर इसमें पे स्केल कितना होता है? देखिए, इसमें अलग अलग सेक्टर है, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। हर सेक्टर में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट भी 35 से 40 हज़ार आपको स्टार्टिंग सैलरी पे कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया जैसे एम्स हॉस्पिटल हो जाते हैं, वहाँ पे आपको 90 हज़ार स्टार्टिंग मिलती है, और यदि आप प्राइवेट सेक्टर में उसी पे जाते हो तो 15 हज़ार स्टार्टिंग पे मिलता है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको पे किया जाता है। इसमें आपका सैलरी इंक्रीज ही होता है, डाउन नहीं हो पाता है। बिल्कुल डॉक्टर, स्टेट के अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनली और नेशनली, तो हमें कितने अपॉर्चुनिटीज हैं? मध्य प्रदेश के बाहर भी अगर हमें इस फील्ड में नर्सिंग करना है तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें? देखिए, यदि आपको अपने देश से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, और आप फॉरेन भी, अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, कुवैत भी, सभी जगह आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम फाइट करना होता है, जिसमें आपका एक मेनली IELTS कम्युनिकेशन इंग्लिश से जो है आपको बहुत परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपका एक सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब अदर कंट्रियों में मिलती है। और इसमें अदर कंट्रियों में भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन और अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है। हमारे जैसे इंडियन रुपीज में यदि आप देखें तो 3 लाख से 4 लाख इस तरह की सैलरी आपको पे की जाती है। बिल्कुल डॉक्टर, अगला सवाल मेरा यही है कि नर्सिंग में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? देखिए, नर्सिंग में बहुत सारे कोर्स है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 12th के बाद से। यदि अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं भी होता है तो आप ANM कर सकते हैं, जो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आप GNM कर सकते हैं, जो 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है। और जो थर्ड हमारा BSc नर्सिंग होता है, इसमें लेकिन आपको बायोलॉजी कंपलसरी होता है, जिसमें इंग्लिश भी कंपलसरी है। लेकिन आप NM और GNM करके यदि आर्ट, कॉमर्स, अदर सब्जेक्ट से यदि आपने 12th किया है तो आप नर्सिंग में एंट्री कर सकते हो। बिल्कुल डॉक्टर, आपने इसमें लैंग्वेज का भी जिक्र किया है, तो उसमें इंग्लिश का कितना रोल होता है? क्योंकि हाल ही में, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है वो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई भी वो है जारी की गई है, तो ऐसे में लैंग्वेज को लेकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो दर्शक हैं, इस चीज को लेकर आश्वस्त रहें कि अगर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो हिंदी में भी पढ़ाई कर सकते हैं, अगर उनकी हिंदी अच्छी नहीं है तो उनके लिए दोनों सब्जेक्ट्स में जो है दोनों लैंग्वेज में ये सुविधा रहती है? जी बिल्कुल, ये सुविधा आपको जब एग्जाम फॉर्म हम फिल करते हैं तो आपका पूछा जाता है आप हिंदी में एग्जाम देते हो या इंग्लिश में। इसमें क्या हुआ है कि यदि अगर कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में थोड़ा कमजोर होते हैं तो हिंदी में उसको समझने के लिए काफ़ी चीज़ें होती है, ताकि वो अपनी पढ़ाई आसानी से कर सके। इसलिए गवर्नमेंट हमारी जो है MP गवर्नमेंट, उनके द्वारा क्या है, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ किया जाना है, इसीलिए ताकि बच्चे परेशान ना हो, इसलिए वो हिंदी में हो रहा है, क्योंकि हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है तो उस पर हमको गर्व होना चाहिए। इसलिए हमारे देश में हिंदी भी अच्छी है और इंग्लिश भी। बिल्कुल, जिन स्टूडेंट्स की अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या वो भी इस फील्ड में आगे अपना करियर बना सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके इंग्लिश में नाम होते हैं, जिनको लेने में जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिचकते हैं, तो वो आसानी से आने वाले समय में इस नर्सिंग में जो करियर बनाना चाहते हैं वो सीख सकते हैं इस भाषा को? जी बिल्कुल, देखिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको सक्सेस मिलती है। तो थोड़ा सा इंग्लिश के लिए भी आप यदि प्रयास करते हो तो वो इंग्लिश अपने आप अडॉप्ट होती है, क्योंकि हम जब 5वीं 5th 6th क्लास पढ़ते हैं तब भी हमको एक इंग्लिश का सब्जेक्ट रहता है, इंग्लिश की हम 12th तक ग्रामर भी पढ़ते हैं। और वही चीज़, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम से पढ़ा विद्यार्थी था जो आज ऐसा प्रोफेसर की पोस्ट पे बाबा यूनिवर्सिटी में पदस्थ हूँ, वो आप यदि आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो इंग्लिश आपको कवर भी हो जाएगी और आपकी कमजोरी हमेशा दूर हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर, अब अगला सवाल मेरा यही है कि आखिर हमें अगर नर्सिंग में करियर चुनना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए? देखिए, यदि आपको नर्सिंग में करियर चुनना है तो इसके बारे में आपको सही जानकारी जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप कोर्स करने में एडमिशन ले लेते हो फिर 2-4 साल बाद आपको लगता है कि हमारे इसमें कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हो। इसलिए आपको सही जानकारी होना बहुत जरूरी हो गया है। नॉर्मली सिंपल सा बताता हूँ, कॉलेजों में अफिलेटेड यानी परमिशन होना भी जरूरी होता है, जैसे MPNRC हमारी जो होती है
मध्य प्रदेश नर्सेस काउंसिल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसके द्वारा कॉलेज अफिलेटेड होना चाहिए। दूसरा INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल होती है जो ऑल इंडिया चलती है, उसके द्वारा भी अफिलेटेड कॉलेज होना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अदर स्टेट के विद्यार्थी जब कॉलेज में स्टडी करते हैं तो परमिशन ना होने के कारण कई सारी परेशानियां आती है। क्योंकि मैं जहाँ पे अभी बाबा यूनिवर्सिटी में हूँ तो वह हमारा जो कॉलेज है ऑलरेडी MPNRC और INC से मान्यता प्राप्त कॉलेज है। बिल्कुल डॉक्टर, अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि नर्सिंग में अगर हम करियर बना रहे हैं तो ये कितने साल का होगा, और उसके बाद अगर हमें जॉब करनी है तो कितने साल में, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक साल कॉलेज किया और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग जगह पर प्रैक्टिस करने लगते हैं और कई जॉब भी करने लगते हैं जिससे कुछ अर्न भी होता है। तो ऐसे में नर्सिंग में अगर ये कोर्स तीन या चार साल का है तो उसमें हमें कितने समय तक एक माइंड से जो है हमें उसमें काम करना होगा, और उसके बाद हम इसमें आगे अपने जॉब ले सकते हैं या इसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं? देखिए, वो कहते हैं कि सीखना, लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन लाइफ। लाइफ में हमेशा कोई भी चीज हम सीखते हैं तो कभी जिंदगी भर हमेशा हमको कुछ ना कुछ जिंदगी और समय हमको सिखाते रहता है। तो इसके लिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं, किसी ने सही कहा है कि यदि अगर आप किसी फील्ड में वर्क करते हो तो उसमें एक महारत हासिल कर लो ताकि हमें कोई दूसरा व्यक्ति हमें पीछे ना छोड़ सके। इसका मतलब मीन्स ये होता है, यदि अगर एक आपको प्रोसीजर देते हैं IM इंजेक्शन लगाना है चाहे IV इंजेक्शन लगाना हो, आप इतने परफेक्ट हो कि आप जो किसी व्यक्ति को लगा रहे हो तो उसको पेन भी ना हो और आपका काम भी पूरा हो जाए, तो इसमें यानी आप एक्सपर्ट बन जाते हो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक्सपर्ट बनते हो, और इसमें जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो वही चीज लर्न तो कर लिया आपने, पर उसके आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लर्न करना भी बाकी है। बिल्कुल, तो डॉक्टर का कहना है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लर्न करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स में हैं उन्हें प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है डॉक्टर। लेकिन इसमें, इस फील्ड में अगर हम जाते हैं तो इसमें बैचलर और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है, उसके बाद आगे हम कहाँ तक इसमें जा सकते हैं और अपने आप को एक सशक्त इस फील्ड में बना सकते हैं? इसमें देखिए, यदि आप BSc नर्सिंग करते हैं तो उसके बाद आप एक साल का गैप करके MSc नर्सिंग यानी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। MSc नर्सिंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इसमें कई सारी फील्ड होती है जिससे आप मास्टर डिग्री अपनी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी 2 साल का डिग्री कोर्स होता है मास्टर डिग्री, जिसमें आपकी ब्रांच हो गई कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, OBG हो गया, फंडामेंटल हो गया, और अभी न्यू अपडेट जो हुआ है वो है फॉरेंसिक नर्सिंग। इसमें भी काफ़ी स्कोप है, जैसे क्राइम पेट्रोल आप देखते होंगे तो उसमें जो क्राइम ब्रांच होती है उसमें भी एक नर्स का रोल आता है, तो जो फॉरेंसिक नर्सिंग है इसमें एक नर्स की अहम भूमिका होती है। तो ये आप अभी के जनरेशन में एक नया अपडेट हुआ है जिसमें आपको हर फील्ड के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड से आप आराम से अपना MSc मास्टर डिग्री करके उस फील्ड में वर्क कर सकते हैं। डॉक्टर, आपने जिक्र किया कि एक साल का गैप हम ले सकते हैं, तो ये क्यों? देखिए, ये क्या है कि कंटिन्यूअस तो नहीं होता है, BSc नर्सिंग का 1 साल 1 ईयर एक्सपीरियंस इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि मास्टर डिग्री के लिए थोड़ा सा ट्रेन होना भी आपको जरूरी होता है। क्योंकि आप डिग्री से बैचलर डिग्री से सीधा मास्टर डिग्री कर रहे हो तो उसके लिए आप एक नॉलेजेबल हो सके और आपको टीचिंग का हो चाहे क्लिनिकल हो उसका एक्सपीरियंस अच्छे से ले सके। बिल्कुल डॉक्टर, एक और सवाल है कि अगर बैचलर हमने किसी और फील्ड में किया है, मान लीजिए हमने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद अगर अब हमारा मन है कि हमें नर्सिंग करना है, मास्टर्स में हमें जाना है, तो उस समय क्या कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी? देखिए, यदि आप इंजीनियरिंग करके नर्सिंग में एंट्री लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, वो आपको GNM डिप्लोमा 3 ईयर का करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका एक पोस्ट बेसिक 2 ईयर का होता है, पोस्ट BSc होता है, उसको आपको करना पड़ेगा, तो ये टोटल आपकी 5 साल की नर्सिंग की पढ़ाई हो जाती है, तब आप BSc नर्सिंग के इक्वल आ जाते हो, तब आप अपने फील्ड में वो चीज़ आगे कर सकते हो। और दूसरी बात, INC ने अभी नया नोटिस जारी कर दिया है कि नर्सिंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी उम्र में नर्सिंग कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर आपने दी कि इसमें एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी उम्र में जो है इस फील्ड में जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे दर्शकों तक इतने महत्वपूर्ण जो है जानकारी पहुंचाने के लिए, स्वराज करियर में समय देने के लिए।
तो स्वराज करियर में आपने जाना नर्सिंग से जुड़े हुए तमाम सवाल, क्या नर्सिंग है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसमें हम करियर कैसे बना सकते हैं। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।